अच्छा तो भैया जिसने जिसने अजय देवगन स्टारर की फिल्म जो है दे दे प्यार दे, जी हाँ फिल्म, सही सुना आपने, फिल्म जो है जिसने जिसने देख ली है और जिसको अच्छी लगी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आप भी अजय देवगन के फैन हैं तो। तो चलिए बात करते हैं दे दे प्यार दे के मतलब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि जो दे दे प्यार दे है वो फिल्म, यानी कि जो अजय देवगन, राकुल प्रीत और टब्बू स्टारर फिल्म है, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद किया जा रहा है दर्शकों के द्वारा। जी हाँ सही सुना आपने दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दिन इस फिल्म ने बहुत कम कलेक्शन किया था, मतलब दर्शकों को पता ही नहीं था इतनी अच्छी फिल्म है, लेकिन जब दर्शक देख के आए फिल्म और सारे जगह पे इसकी फिल्म की चर्चा होने लगी, स्टोरी की चर्चा होने लगी, मतलब कि अल्टीमेट फिल्म बताई गई, सीधी सी बात है अल्टीमेट जब फिल्म बताई गई तो खतरनाक इसका ग्राफ ऊपर चला गया और लोगों ने काफ़ी फिल्म को पसंद किया और इसके बॉक्स ऑफिस पर इसकी ग्राफ ऊपर ही चलते बढ़ती चली गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन जो हैं ये 50 साल के रहते हैं और जो राकुल प्रीत रहती हैं वो आयशा का किरदार निभा रही हैं, तो उनको प्यार हो जाता है और कुछ ऐसे ही तरफ की मतलब ऐसे ही टाइप्स की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है ये। और आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा इमोशनल भी है, मेरा फेवरेट गाना इस फिल्म से है चले आना, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है। तो चलिए बिना लेट किए बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो आपको बता दें कि फिल्म ने पहले दिन यानी कि डे वन यानी कि फ्राइडे को 10,41,00,000 का कलेक्शन किया था। जी हाँ मतलब कि 9,11,00,000 का कलेक्शन था, लेकिन पेड रिव्यूज़ 1,30,00,000 के थे, तो टोटल हो गया है 10,41,00,000 रुपए। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जी हाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 13,39,00,000 रुपए, सही बोला मैंने, हाँ सही बोला 13,39,00,000 रुपए। वहीं बात करें तीसरे दिन की तो तीसरे दिन रहा है संडे का, यानी कि संडे को अच्छा खासा होल्ड बनाया था इस फिल्म ने, जी फिल्म नहीं फिल्म ने, क्योंकि फिल्म मतलब ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है इसलिए फिल्म, जी हाँ फिल्म ने बनाया था 14,74,00,000 रुपए। वहीं डे फोर यानी कि चौथे दिन की बात करें यानी कि मंडे को, तो मंडे को बनाया था 6,19,00,000 रुपए, जी हाँ 6,19,00,000 रुपए बनाया था। वहीं बात करें पाँचवें दिन की कलेक्शन की तो पाँचवा दिन का कलेक्शन आप देख सकते हैं यानी कि ट्यूसडे को 6,10,00,000 रुपए था। वहीं छठवें दिन की बात करें यानी कि वेडनेसडे की 5,74,00,000 रुपए, जी हाँ। तो ये थे टोटल 6 दिन की। और बात करें आज की यानी कि आज 7वां दिन हो गया है तो थर्सडे की, तो थर्सडे की टिकट ऑक्युपेंसी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मॉर्निंग शोज की 10-15%, आफ्टरनून शोज की 20-25%, इवनिंग शोज की 25-30% और नाइट शोज की 40-45%। वहीं आफ्टरनून शोस मतलब जो ये पूरी टिकट ऑक्युपेंसी है इसके हिसाब से फिल्म 7वें दिन 5,00,00,000 का लगभग कलेक्शन कर सकती है। वहीं इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 61,57,00,000 रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है फिल्म का अभी तक 83,70,00,000 रुपए। ओवरसीज़ कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज़ कलेक्शन हो गया इस फिल्म का 11,00,00,000 रुपये और ग्रॉस कलेक्शन हो गया इंडिया में 72,70,00,000 रुपए। तो दोस्तों ये था पूरा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट फिल्म दे दे प्यार दे के। वहीं आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ये फिल्म डायरेक्ट की गई है आकी वली द्वारा और प्रोड्यूस हुआ है लव रंजन, भूषण कुमार, कृष्णन कुमार, अंकुर गर्ग द्वारा। तो आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बता दीजिए और सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले।